सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत जिले में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए एक सप्ताह की बढ़ोतरी कर दी है, लेकिन लॉकडाउन बढ़ने के बावजूद लोगों का बाहर निकलना बंद नहीं हो रहा, जिन पर पुलिस टीम लगातार सख्ती बरत रही है। पुलिस बिना कारण बाहर निकलने वालों के चालान कर रही है और मुकदमे भी दर्ज कर रही है। ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर शिव कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमितों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। लॉकडाउन होने के बावजूद लोग घरों से बाहर घूम रहे हैं, जिन पर पुलिस लगातार सख्ती बरत रही है। शहर में जगह जगह नाके लगाए गए हैं। हर नाके पर आने जाने वालों से कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। जो बिना काम के घर से बाहर हैं, उनके चालान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए बाहर निकलने से परहेज करना चाहिए। कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए आवश्यक है कि लोग घरों के अंदर ही रहें, तभी हम अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी बेवजह घर से बाहर ना निकले। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। शहर के अंदर नाके लगा के ने और चेकिंग की जा रही है। चेकिंग के दौरान पब्लिक को समझाया भी जा रहा है, लॉकडाउन का पालन भी कराया जा रहा है और चालान भी किए जा रहे हैं। जो बार बार समझाने के बाद जो आदमी नहीं मान रहे, उनके बाकायदा चालान किए जा रहे हैं, इम्पाउंड का और कल इम्पाउंड भी किए जा रहे हैं। सर, भीड़ वही है वाहनों की, वाहन चालक बहुत ज़्यादा सड़कों पर हैं। देखिए, ये जो व्हीकल है, ये जो आदमी बीमार है, कोई तो इसमें बीमार है वो अपने दवाई दवाने के लिए जा रहा है, कोई बीमार की दवाई लेने के लिए जा रहा है, कोई अपनी खाद्य सामग्री जो इकट्ठी कर रहा है घर के लिए, जरूरी का सामान है उसको लेने के लिए बाहर निकल रहा है।